نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحل العقدة من لساني يفقه قولي نمبر اسلامي تاريخ حضرت نوح عليه السلام अल्लाह ने हजरत नूह सलाम को रसूल बनाकर उनकी बुत परस्त कौम की हिदायत के लिए भेजा साढ़े नौ सौ साल तक ईमान की दावत देते रहे चंद लोगों के अलावा किसी ने ईमान कबूल नहीं किया वो उनको हर तरह समझाते रहे मगर पूरी कौम उनको सताने और मजाक उड़ाने में हद से आगे बढ़ गई यहाँ तक कि उनका एक बेटा कौम के साथ कुफ्र शिरक पर कायम रहा जब अल्लाह ने उनके ईमान न लाने की खबर दी तो सलाम ने दुआ फरमाई कि ए अल्लाह इन में से किसी काफिर को ज़मीन पर जिंदा न छोड़िए इनके बाकी रहने से शिर कुफर और गुमराही बढ़ती चली जाएगी उनकी इस दुआ पर अल्लाह ताला ने कौम को हलाक करने की खबर दी और हुक्म दिया कि तुम एक कश्ती तैयार कर लो ताकि तूफान के वक्त मुमिन को लेकर सवार हो जाओ उसके बाद पानी का तूफान आया और पूरी कौम हलाक हो गई एक माह गुजरने पर तूफ़ान ख़त्म हुआ और आप मुहर्रम की दसवीं तारीख को कश्ती से उतरे और शुक्राने के तौर पर रोज़ा रखा तूफान के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीन बेटे बाकी रह गए थे जिनसे इंसानी नस्ल का दोबारा सिलसिला शुरू हुआ नंबर दो अल्लाह की कुदरत पानी का इंतज़ाम पानी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है जिस पर सारे जानदारों की जिंदगी का दारो मदार है अगर ज़मीन से पानी ख़त्म हो जाए तो ज़मीन से इंसान हैवान हती कि पेड़ पौधे सब ख़त्म हो जाए लेकिन यह अल्लाह ताली की बहुत बड़ी कुदरत है जिसने समुद्रों की शक्ल में पानी का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा जमा कर रखा है फिर वहाँ से बादलों की शक्ल में पानी को उठा कर सूखी ज़मीन की तरफ बरसाता है और फिर इसी पानी को ज़मीन के अंदर ज़ख़ीरे के तौर पर जमा कर देता है जिससे पेड़ पौधों को पानी मिलता है जिससे इंसान खुद पीता है और अपनी खेतियाँ सैरब करता है अल्लाह ने अपनी इस कुदरत को कुरान में बयान फरमाया है कि हम एक अंदाज़े से आसमान से पानी बरसाते हैं फिर उसको ज़मीन में रोके रखते हैं और उसको ले जाने और ख़त्म कर देने पर भी हम क़ादिर हैं सूर्य मुमनून आयत एटीन नंबर तीन एक फ़र्ज के बारे में बार जमात इशा और फजर की नमाज पढ़ना रसूल वसम ने फरमाया जो शख्स इशा की नमाज जमात के साथ पढ़े गोया उसने आधी रात इबादत की और जो फजर की नमाज जमात से पढ़ ले गोया उसने सारी रात इबादत की मुस्लिम वन थाउजेंड फोर हंड्रेड नाइन्टी वन बिन अफान रजी नंबर चार एक सुन्नत के बारे में दूध पीने के बाद कुल्ली करना रसूल सल्हुस ने दूध पिया और कुल्ली फरमाई और फरमाया कि इसमें चिकनाई होती है बुखारी हदीस टू हंड्रेड एन इब अब्बास रज नंबर पाँच एक अहम अमल की फजीलत रोज़ेदार को इफ्तार कराना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स किसी रोज़ेदार को रोज़ा इफ्तार कराए उसके लिए गुनाहों के माफ होने और आग से खलासी का सबब होगा और रोज़ेदार के सवाब के मानंद उसको सवाब मिलेगा मगर रोज़ादार के सवाब में से कुछ कम नहीं किया जाएगा सहाबा रज़ी ने अर्ज़ किया हम में से हर शख्स इतनी वसात नहीं रखता कि इफ्तार कराए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया सवाब तो अल्लाह ताला एक खजूर से कोई इफ्तार करा दे या एक घूंट पानी पिला दे या एक घूंट दूध पिला दे उसको भी मरहमत फरमा देते हैं सही इबन खुजैमा हदीस वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एटी अन सलमान फारसी रज़ी अन्हु नंबर छः एक गुनाह के बारे में जकवात अदा न करना रसूल ल्ला ल्ला ने जिस शख्स के पास माल हो और वो उसकी ज़क़ात अदा न करता हो तो वो माल कल क़यामत के दिन एक ऐसा सांप बना दिया जाएगा जो गंजा होगा और उसकी आँखों पर दो काले नुक्ते होंगे फिर वो सांप उसको उस वक्त तक निगलता रहेगा जब तक बंदों के दरमियान फैसला न हो जाए मुस्ंद अहमद हदीस सेवन थाउजेंड सिक्स के बारे में आखिरत के फरमाया जो शख्स आखिरत के किसी अमल से दुनिया चाहता हो उसके चेहरे पर फिटकार होती है उसका जिक्र मिटा दिया जाता है और उसका नाम दोजख में लिख दिया जाता है माजम कबीर हदीस टू थाउजेंड एटी फाइव अनजारद रज़ी नंबर आठ आखिरत के बारे में मुसलमानों से जन्नत का वादा कुरान में अल्लाह ती फरमाता है अल्लाह ने मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों से ऐसे बागों का वादा कर रखा है जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी ये लोग हमेशा उन बाग़ों में रहेंगे और ऐसे उम्दा मकानों का वादा फरमाया जो हमेशा रहने वाले बागों में होंगे और अल्लाह की रजामंदी सबसे बड़ी चीज़ है ये बहुत ही बड़ी कामयाबी है सूर तोबा आयत सेवेंटी टू नंबर नौ तब नबी से इलाज कलॉन्जी में हर बीमारी से शफा रसूल वसल्लम ने फरमाया तुम इस कलौजी को इस्तेमाल करो क्योंकि इसमें मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा मौजूद है बुखारी हदीस फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एटी सेवन आनाशा रजील आना। फ़ायदा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं इसके इस्तेमाल से पेट का गैस ख़त्म हो जाता है बलगमी बुखार के लिए नफा बख्श है अगर इसको पीस कर शहद के साथ माजून बना लिया जाए और गर्म पानी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो गुर्दे और मसाने की पथरी को गला कर निकाल देती है तिब्बे नबवी नंबर दस कुरान की नसीहत कुरान में अल्लाह फरमाता है ए लोगो ज़मीन की हलाल और पाकिज़ा चीज़ें खाओ और शैतान के नक्श कदम पर मत चलो वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है वो तुमको बुराई और बेहयाई की बातों का हुक्म देता है और इस बात का हुक्म देता है कि तुम अल्लाह के मुतालिक ऐसी बात कहो जिसका तुम्हें ईम नहीं सूर्य बकरा आयत वन सिक्सटी एट से लेके वन सिक्सटी नाइन सुबह वसलामसिन वहमदिल्लाबी